गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बायो का जो आपको चैप्टर शुरू हुई थी पुष्पी पादपों के आकार की, उसमें मैंने आपको कल बताया था पहले वाले वीडियो में कि कृत्रिम पुष्पी पादपों को पुष्प के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहला बताई थी कि आपको क्या कृत्रिम वर्गी पहला तो बताई थी कृत्रिम वर्गीकरण। फिर सेकेंड जो मैंने आपको बताई थी प्राकृतिक वर्गीकरण, और जो थर्ड में बताई थी आपको ध्यान होगा जो तीसरा था अपना जाति वृत्ति वर्गीकरण। जाति वृत्ति वर्गीकरण इसके आधार पर पौधों को क्या किया गया था, बांटा गया था। अब पादप जो होते हैं पौधों को अगर देखो भौतिक आकार की अगर हम देखें पादपों के आकार की अगर देख रहे हैं तो पौधों में मुख्यतः आपको क्या देखने को मिलता है, एक अगर पादप है तो पादप में आपको क्या मिलेगा, जड़ तना और पत्ती और पुष्प, फिर आपका आएगा फल। तो सबसे पहले अपन किसका पढ़ रहे थे, जड़ की अगर आकार की अपन देखें तो आज अपन पढ़ेंगे जड़ के बारे में, उसकी पादपों के आकार की अपन क्या पढ़ेंगे, जड़ जो है जड़ की संरचना यानी जड़ जो है एक प्राथमिक जो होता है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में बीज के मूलांकुर से जड़ का होता है विकसित होता है। तो जड़ जो होती है जड़ के चार भाग होते हैं, मुख्यतः चार भाग होते हैं, जड़ के मुख्यतः चार भाग होते हैं। यदि जड़ को आप देखो तो मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका जड़ जो होती है जो मूलांकुर से विकसित होती है, जड़ और तने दोनों विकसित होते हैं। जड़ जो होता है प्रकाशानु विपरीत, प्रकाश के विपरीत जमीन में वृद्धि करता है और तना जो होता है प्रकाश के और वृद्धि करता है। तो अपन जड़ अगर पढ़ रहे हैं तो जड़ के जो चार भाग होते हैं रीजन ऑफ मैट्यूरेशन यानी मैच्योरेशन यानी मतलब जब जो परिपक्व यानी जो होता है परिपक्व क्षेत्र, इसको अगर अपन बोलेंगे तो परिपक्व क्षेत्र यानी जहाँ पे जड़ जो होता है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। फिर सेकेंड जो आता है आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेटेड यानी दीर्घीकरण क्षेत्र यानी इस क्षेत्र में पौधा जो होता है उसकी जड़ें क्या होती हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र यानी इस क्षेत्र में पौधा बड़ी तेजी गति से क्या करता है, जड़ जो होती है पौधे की बहुत तेजी गति से वृद्धि करती है। तीसरा जो होता है उनका रीजन ऑफ सेल डिवीजन यानी जहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होकर के जो क्या होती है जड़ों को उसके मूल रूप में उससे वृद्धि करती है, इसको अपन बोलते हैं कोशिका विभाजन क्षेत्र, कोशिका विभाजन क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में जो होती है जड़ें की कोशिकाएं जो होती है वो आपस में क्या करती है धीरे धीरे वृद्धि करती है। तो जड़ों की जो कोशिका है इसमें सबसे पहले जो आता है मूल जो होता है रूट कैप, अगर अपन देखें इसको चार भागों में जो बांटा गया पहले बताइए कौन सा है सबसे पहला, सबसे पहला आता है परिपक्व क्षेत्र, इसी में भी आता है आपका मूल रोम या मूल रोम क्षेत्र यानी यहाँ पर जो छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं वो रोए के रूप में क्या होती है विकसित होती हैं और जड़ जो होता है यहाँ पर ही परिपक्व होता रहता है। फिर तुम्हारा आपका दूसरा आता है दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर क्या आता है दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ की कोशिकाएं लगातार निरंतर वृद्धि करती रहती हैं, गति डिवीजन में हमेशा कोशिका विभाजन होता रहता है जिससे ये धीरे धीरे क्या करती है कोशिका विभाजन के द्वारा नए नए रूट्स जैसे प्राथमिक द्वितीय और तृतीय ग्रोथ का रूप का क्या करती है निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। फिर थर्ड जो आपका आता है कोशिका विभाजन क्षेत्र, अगला जो होता है क्या होता है कोशिका विभाजन क्षेत्र यानी इस भाग में जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर वृद्धि करती है। अब आप इसमें देख रहे हैं रूट कैप, रूट कैप जो होता है ये किसी भी पौधे की जड़ों का क्या होता है नाजुक भाग जो होती है नीचे की भाग जो बढ़ती है उनको क्या करता है रक्षा करता है ताकि ये और आसानी से वृद्धि कर सके। तो मूल
जड़ का जो अग्रस्त भाग है, ये जो आप देख रहे हैं जड़ का अग्रस्त भाग, जड़ का जो आगे वाला भाग होता है, इसमें अग्रस्त भाग में जो छोटी छोटी धागे की समान संरचनाएं दिखाई देती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मूल रोम क्षेत्र। आपको पता होगा कि पौधे की जो जड़ें होती है जमीन से जल का अवशोषण करती है, इसको बोलते हैं कौन से पानी में अवशोषण करती है जमीन के अंदर, वो केशिका जल, यानी वो मूल रोम के द्वारा, ये जो मूल रोम है, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण करती है। यानी इस क्षेत्र में जो जड़ें हैं, मूल रोम जो होते हैं, यही जमीन के अंदर से पानी का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तो केशिका जल का उपयोग करते हैं। जो कैसे थे केशिका जल, यानी केश के समान पानी जो होती है, बाल जैसी संरचनाएं होती है, रोए होती है जैसे मतलब जड़ की, उसके द्वारा ये जल का अवशोषण करते हैं। तो कोशिका विभाजन क्षेत्र अगर अपन देखें, तो इसका जो अग्रस्त भाग होता है बहुत कोमल होता है, जिससे रूट कैप के द्वारा इसका क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है ना। फिर आता है कोशिका विभाजन क्षेत्र। अगर अपन देखें तो कोशिका विभाजन क्षेत्र यानी दीर्घी जो होती है, इसमें कुछ जड़ें जो होती हैं, ये मूल गोब के ऊपर, ये मूल गोब के ठीक ऊपर का भाग अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के अगर आप देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो होता है उसका यहाँ आपका कोशिका विभाजन क्षेत्र। यानी यहाँ की कोशिकाएं क्या होती है, कुछ जड़ें जो होती हैं कुछ मिलीमीटर तक ये बढ़ती हैं, फिर ये निरंतर क्या करती है, पतली पतली भित्ती वाली सघन कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये लगातार क्या होती है, विभाजित होती रहती है। लगातार विभाजित होने की वजह से जड़ें जो होती आसानी से वृद्धि करती है। फिर अपना आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र जो होता है वो ठीक इसके दीर्घीकरण क्षेत्र के ठीक ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, परिपक्वन क्षेत्र। यह दीर्घीकरण क्षेत्र के ठीक ऊपर होता है और इसके इसकी कोशिकाएं जो होती विभिन्न ऊतकों में परिपक्वन करके, आप देखे होंगे कि जड़ें जो होती है वो निरंतर क्या करती है, मूल रोमों का निर्माण करती है, जिससे जड़ जो होती है जमीन से पानी को अवशोषित करे। अब अपन पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार, जड़ संरचना का आप पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो पौधे होती हैं, पौधों की जड़ें अलग अलग आपको देखने को मिलती है। अगर आप एक घास को उखाड़ के देखोगे तो उसकी जड़ें क्या होंगी, अलग दिखाई देंगी। आप मूली या गाजर को निकाल के देखोगे अलग होगा, सलगम को देखोगे अलग होगा, एक आम के छोटे से पौधे की जड़ निकाल के देखोगे तो वो अलग होगा। अब अपन पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार। जड़ जो होती है मुख्यतः अगर आप देखें तो जड़ जो होती है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो मूसला जड़, मूसला जड़। फिर जो दूसरा होता है आपका मूसला जड़, यानी आप जड़ों को आसानी से पहचान लाओगे ऐसी जड़ें। फिर रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। फिर थर्ड आपका आता है अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़, यानी जब आप देखिए तो पौधों की जड़ें का बताएं कि अलग अलग प्रकार की होती है। तो जड़ों के आकृति, आकार और भोजन संग्रहण करने के अलावा इनके देखा जाए तो जड़ें कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। सबसे होती है मूसला जड़, फिर रेशेदार जड़, फिर क्या होती है अपस्थानिक जड़। तो अब जो अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मूसला जड़, यानी मूसला जड़ कैसी जड़ें होती है। सबसे पहले मूसला जड़, यानी आप बीज में देखे होंगे कि जो जड़ें होती हैं वो एक इस तरह से आता है और एक ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मूलांकों से जो विकसित होती है, मुख्य रूप से ये जड़ें क्या होती है, मूसला जड़ें। ये जड़ें जो होती है
ठीक है ना। पतली होती है, यानी ये जड़ कैसे होगी, भूसना जड़े ये ऊपर से मोटी होगी और नीचे से पतली। जड़ के इस रूप को इस रूप में जड़ का जो होता है इसमें इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों जड़ें मिलती है, लेकिन ये तीनों जड़ें संयुक्त होकर के एक मानसर जड़ का निर्माण करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मूसला जड़ें। तो इस तरह की जो जड़ें होती है आप देखे होंगे, मूली देखे होंगे, मूली की जड़ें ये कैसी होती, थोड़ी मानसर होती है, फूली हुई होती है, इस तरह की जड़ें। अब हम पढ़ेंगे रेशेदार जड़ें, ठीक है ना। इसका उदाहरण अगर आप देखो, उदाहरण तो मूली, मूली क्या एक मूसला जड़ का एक उदाहरण है। इसकी क्या होती है, एक मूसली जड़ होती है, इस तरह से आप देखे होंगे, ठीक है। ये जड़ें जो होती हैं ये किस तरह की होती है, मूसला जड़। अब अपन पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में, मूसला जड़ जो होता है, मूसले मूसला जड़ जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मूसला जड़ें अगर अपन देखें या रेशेदार जड़ें, सबसे अब सेकंड में आपने जो रेशेदार जड़ें, रेशेदार जड़ें होती है। फिर तीसरा आता है आपका अपस्थानी जड़, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ों में ऐसी जड़ें विकसित होती है जो पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित हो जाती है। ये जड़ें विभाजित होकर के अन्य एक गुच्छे जैसे धागे जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें। जैसे बोगनवेलिया या अजूबा, अजूबा अजूबा की जड़ें या जिसको अपन बोलते हैं पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा की जड़ें या बोगनवेलिया, बोगनवेलिया यानी इस तरह की जो जड़ें होती हैं ये मुख्य जड़ों से पौधे के विभिन्न किसी भी भाग से विकसित हो जाती है। इस तरह की जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, अपस्थानी जड़ें। अब अपन पढ़ेंगे जैसे मूसला जड़, मूसला जड़ जो होती है ये मानसर तो होती है, अब इसके अलावा भी जो जड़ें होती हैं जैसे ग्रंथिल जड़ें, इस तरह की जड़ें जो होती है लेग्यूमिनेसी फूल के पौधों में मिलती है जिसकी जड़ों में गांठें बन जाती है। जैसे आप देखे होंगे सुने होंगे कि जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो जड़ों की गांठों में रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है जिससे पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ के अलावा आता है एक श्वसन जड़। अभी मैं आपको बताई जैसे ग्रंथिल जड़, अगला जो अपन का है जड़ों में ही आता है ग्रंथिल जड़। लेजिमिनेसी फूल के जो पौधे होते हैं उसमें इस तरह की जड़ें पाई जाती है जिसमें ग्रंथिल गांठें जैसी बनी होती है, उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो उसमें रहता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगला अपन का आता है श्वसन जड़। आप सुने होंगे कि कुछ पौधे की जड़ें जो होती हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, अगर आप देखो तो श्वसन जड़, श्वसन जड़ कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण वो जड़ें क्या होती है, जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ वृद्धि कर देती है, क्योंकि जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से ऊपर की तरफ विकसित हो जाती हैं और ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करके पौधों को क्या करती रहती हैं। इस तरह की जो जड़ें होती हैं उसमें जो लेग्यूमिनेसी फूल की जो मैंने आते हैं इसमें मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव जो पौधे होते हैं या
जो जड़ें जमीन से ऊपर की तरफ किसकी वजह से आ रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो श्वसन जड़ें कहाँ पाई जाती है, तो वो जड़ें उन पौधों में पाई जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, दलदली क्षेत्रों में या लवणीय क्षेत्रों में। आप देखे होंगे कि समुद्र के किनारे पर कभी पिक्चर में या कैसे भी आप देखे होंगे कहीं सीन ऐसा कि समुद्र के किनारे के जो पौधे होती हैं उनकी डाले जमीन के नीचे से जड़ें निकल निकल के पूरा एक घना जंगल सा बना लेती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको पूर्ति करने के लिए जड़ें जो होती है उसका एक रूप विकसित होकर के बाहर की तरफ आ रहा था, जो कि प्रारूप एक होता है जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके पौधों को आसानी से दे सकता है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया इसके लिए आपको मैं आज 5 क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। जितना मैंने पढ़ाया सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ, जड़ की संरचना का वर्णन कीजिए। जड़ की संरचना का वर्णन कीजिए। जड़ की संरचना मैं बताई थी, जड़ के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घीकरण और कोशिका विभाजन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में जो जड़ें होती है रेशेदार, उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल, रोम। फिर उसके बाद परिपक्वन क्षेत्र में कोशिका निरंतर वृद्धि करती रहती है, विभेजन करती रहती है, जिससे इसका जड़ें जो होती है लंबाई में वृद्धि करती है। थर्ड आपका आता है कोशिका विभाजन क्षेत्र, जहाँ पे कोशिका लगातार क्या करती है, विभाजित होती रहती है। और जो रूट कैप होता है कि जड़ के कोमल भागों की रक्षा करता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके जड़ से रिलेटेड, इतना मैं आज आपको कंप्लीट करती हूँ। अगला टॉपिक जो होगा अपन की वीडियो का वो क्या होगा, तना। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।